सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य तो सिद्ध साहित्य हम लोग देख लेते हैं इसमें सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल में तो सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है इन्हें सरोज बज्र राहुल भद्र आदि आदि नामों से जाना जाता है सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद मतलब सराहपा ही है सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा है वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है वज्रयान का केंद्र सिर्फ श्री पर्वत रहा सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंध्य वाणी बताया है पंडित विधुशेखर खत्री शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा ज्योतिरिष्ठ ठाकुर रचित वर्ण, वर्ण रत्नाकर चौदहवीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में चौरासी सिद्धों के नाम दिए गए हैं कितने सिद्ध चौरासी सिद्ध सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलट लिखने लगे राहुल संस्कृत ने शराहपाद का समय सात सौ उनहत्तर ईस्वी इस स्थिर किया मतलब माना है तो तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संबत् छह सौ नब्बे यानी इस छ सौ तैंतीस ईस्वी स्थिर किया है इनके लिखे बारह ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोष प्रसिद्ध है सरहपा का दोहा कोष सबसे प्रसिद्ध है ठीक है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान, गान, गान दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है दोहा का संपादन डॉ प्रबोध चंद्र बागची ने किया दोहा में तिल तिलोपा सरहपा कड़पा के दोहे संग्रहित हैं सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार हैं तो देख लेते हैं सहज संयम पाखंड और आडंबर विनाश गुरु सेवा सहज मार्ग महासुख की प्राप्ति बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय बज्र ने दिया है सबरपा सरपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सरहपा पड़ा इनका जन्म क्षत्रिकूल में सन सात सौ अस्सी में हुआ चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है ठीक है चर्यापद एक प्रकार की का गीत है जो सामान्यतः व अनुष्ठानों के समय गाया जाता है चर्यापद भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं सिद्ध साहित्य में दोहा कोष की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया ठीक है लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन सात तिहत्तर ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था लोइपा सपरपा के शिष्य थे चौरासी सिद्धों में लोईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है लोइपा का स्थान चौरासी सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है ठीक है लोइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दर और उनके मंत्री डोंगीपा इनके शिष्य हो गए थे डोंगीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन आठ सौ चालीस ईस्वी के आसपास हुआ इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डों गीतिका, योगचर्या अच्छा द्वीपोपदेश आज प्रसिद्ध हैं डोम्बिपा बीरूपा भी, के शिष्य थे कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे कौन कणप्पा सबसे विद्वान थे और सबसे बड़े कवि कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 सौ ईस्वी में हुआ राहुल संस्कृत्यान के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे ये राहुल संस्कृत्यान कहे हैं कण्प्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था तो सिद्ध साहित्य यही था आज सिद्ध साहित्य समाप्त हुआ तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार